हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं हम चोको चिप। चोको चिप को हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और चोको चिप बनाने के लिए चाहिए डार्क कंपाउंड, ये मोरडे का डार्क कंपाउंड लिया है। एक पाइपिंग बैग चाहिए या फिर आप थैली को भी ले सकते हैं। बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप फॉइल पेपर यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए एक बॉल चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। सबसे पहले एक बॉल में पानी डालेंगे, ये एक ग्लास के करीब पानी डाला है। गैस को ऑन कर देंगे और बॉल को रख देंगे। ये डबल बॉयलर बन गया। चॉकलेट को कट कर लेते हैं और इसके थोड़े छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं जिससे कि मेल्ट होने में आसानी हो, और सारे पीसों को डबल बॉयलर में डाल देंगे। आप देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट होने लगी है, तो गैस को बंद कर देंगे और भगोने पे से बॉल को हटा लेंगे। आप देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब करीब 5 से 10 मिनट के लिए चॉकलेट को ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगर जाड़े हैं तो करीब 1 से 2 मिनट के लिए रखें, नहीं तो चॉकलेट जमना स्टार्ट कर देगी। और गर्मियां हैं तो करीब 5 से 10 मिनट के लिए चॉकलेट को थोड़ा ठंडा होने देंगे जिससे कि हमारे चोको चिप बहुत अच्छे बने। आप देख सकते हैं चॉकलेट कितनी पतली हो जाती है मेल्ट होने के बाद। तो ये थोड़ी ठंडे होने के बाद थोड़ा सा सेट हो जाएगी, थोड़ी थिक हो जाएगी। उसके बाद हम चोको चिप बनाएंगे। चॉकलेट ठंडी हो चुकी है। चॉकलेट को रखे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी धीरे धीरे गिर रही है, एकदम ठंडी हो गई है चॉकलेट। अब चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भर लेंगे। इस तरीके से चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भर लिया है। अगर आपको अभी भी लगे कि थोड़ी गर्म है तो इस पाइपिंग बैग को करीब 5 मिनट के लिए रख दें जिससे कि ये थोड़ी सी और ठंडी हो जाए। चॉकलेट एकदम ठंडी हो गई है। आप हाथ से छू करके देखें, आपको एकदम ठंडी लगनी चाहिए और जमी भी नहीं है चॉकलेट। आप चोको चिप बनाएंगे, आप चाहें तो फॉइल पेपर पर बनाएं या फिर बटर पेपर पर बनाएं। पाइपिंग बैग है, उसके किनारे को हल्का सा काट देंगे, बहुत थोड़ा सा ही काटेंगे जिससे कि हमारी चोको चिप छोटी छोटी सी बने। और धीरे धीरे एक एक करके चोको चिप बनाना स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं चॉकलेट चिप बन करके तैयार हो गई हैं। अब इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं या बटर पेपर पर निकाल लेते हैं। ये बहुत आसानी से बटर पेपर पर से भी और फॉइल पेपर पर से अलग हो जाती हैं। आप देख सकते हैं करीब 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है, ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में नहीं रखा। चॉकलेट चिप बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी घर में हम चॉकलेट चिप बना सकते हैं। और आप इसको आइसक्रीम में, केक में, कुकीज़ में, मफिन्स में, जिसमें चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।